हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ऐसे पांच प्रोग्राम्स जिन्हें इजीली पाइथन बिगनर बना सकता है। ऐसे पांच प्रोग्राम कौन कौन से हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, मैं आ चुका हूँ। तो इसमें मैंने लिखे हैं पांच प्रोग्राम जिन्हें पाइथन बिगनर इजिली बना सकता है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आप इन पांच प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम इजिली बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसका कोड लिख के दे सकते हैं, मैं उसे रन करके देखूंगा एंड सॉल्व आउट भी दूंगा। देन लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम प्रोग्राम 01.py। पहला प्रोग्राम, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जैसे हर पाइथन प्रोग्रामों को बनाने पड़ता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हो, हेलो वर्ल्ड तो प्रोग्राम जरूरी बनाया होगा। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना लिया, देन आई रन दिस It has printed hello world. Then let's come to the second program. Program to check the number as even or odd. Program लिखना है कि number को check करेगा वो even है या odd है। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि even और odd होता क्या है। Even जैसे कि हमें पता है वो numbers होते हैं जो कि 2 के multiple में आते हैं, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो। मैं क्या करूं, मेरा लॉजिक क्या होगा? मेरा लॉजिक सिंपल से ये होगा, जो नंबर मैंने कुछ भी लिया है अगर मैं उसे डिवाइड करूं 2 से और वो इजीली डिवाइड हो जाए तो क्या है, वो इवन है। अदरवाइज क्या होगा, ऑड होगा। ये सिंपल सा बेसिक लॉजिक मैंने लिख लिया है। इसी लॉजिक को मुझे बिल्ड करना है पाइथन लैंग्वेज। मैं क्या करूंगा, मुझे नंबर इनपुट चाहिए, नंबर लियो या इसको स्टो नंबर। आफ्टर दिस अब मुझे चेक करना है इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड गिव्स रिमाइंडर 0। ये साइन किसका है, परसेंटेज का साइन होता है, परसेंटेज का साइन होता है। दिस इज फॉर रिमाइंडर। अगर मैंने किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मींस प्रिंट दैट द नंबर इज इवन। जो नंबर है वो इवन है, अदरवाइज वो कैसा है, अदरवाइज The number is odd. Simple. हमने input किया, एक या दूसरे divisible है या नहीं, अगर है तो even है, अगर नहीं है तो odd है। And comes to the third program, print the all items from the list. ऐसा program बनाना है कि जो list के सभी items को render करे। जैसे कि आपने किसी भी, मान लीजिए सब्जी की लिस्ट बना दी, उसमें आलू बैगन टमाटर कुछ भी लिख दिया, तो आलू बैगन टमाटर की लाइन वाइज आने चाहिए कि पहले आलू है फिर बैगन है फिर तीसरे नंबर पर टमाटर है फिर चौथा कुछ भी होगा अपनी मर्जी से ऐड कर लीजिए आप। प्रोग्राम 03.py। इस प्रोग्राम में मुझे प्रिंट करना है सभी एरे ऑफ एलिमेंट्स को, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को। मैंने पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट मेरी है जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो या एप्रिकॉट। मैंने कुछ फ्रूट्स की लिस्ट बना ली, फ्रूट्स लिस्ट। अब मुझे इस लिस्ट को रेंडर करना है, इस लिस्ट के आइटम्स को रेंडर करना है। जैसे कि पहले भी मेरा एप्पल है, फिर मेरा बनाना है, फिर मेरा ऑरेंज है, फिर मेरा मैंगो, फिर एप्रिकॉट है। मुझे इस लिस्ट को कैस किस तरह रेंडर करना है, पहले एप्पल एंड बनाना एंड सो ऑन, इस तरह मुझे रेंडर करना है इस लिस्ट को। अब मैं पाइथन में कोड लिखूंगा इसका। सबसे मुझे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, लूप। लूप का यूज करूंगा जिससे कि इसके सभी आइटम्स को आइटरेट कर सकूं। सो फॉर आइटम इन
फ्रूट्स लिस्ट के सभी आइटम्स को क्या करो, प्रिंट कर दो आइटम। रन किया, एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो एप्पल, लेकिन मैंने जो लिखा था फॉर्मेट दैट वन पहले एप्पल आना चाहिए, ये दूसरे नंबर पे बनाना आना चाहिए, लेकिन ये जो इंडेक्सेस है जो नंबरिंग आई ये नहीं आई। और नंबरिंग को ऐड कैसे करते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका कोड लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बट ये जो कोड होगा कि नंबर्स को इनपुट करने का, ये थोड़ा ज़्यादा आगे हो जाएगा बिगनर से, बट अगर आपकी इच्छा है तो मैं बता देता हूँ। दैट के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इंडेक्स इक्वल्स टू फ्रूट्स लिस्ट डॉट x of that item, then I'll use f string। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोड कुछ ज्यादा आउट ऑफ माइंड जा रहा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बिगिनर्स से थोड़ा ऊपर है। x plus 1 एंड ऑफ इजीली फर्स्ट आइटम, नो वेट आइटम, पहले एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो एप्रिकॉट, इजीली हो गया रेंडर। इसमें क्या था, कुछ लॉजिक और बिल्ड करना था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का, वो हो गया। देन नेक्स्ट प्रोग्राम कम्स, प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। सबसे ज्यादा इजी प्रोग्राम मतलब कि इवन अ सिंगल जो इजीली पाइथन प्रोग्राम होता है ना बिगनर, वो भी बना सकता है इसे। प्रोग्राम 4, इसमें पता करना है कि नंबर इवन है नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा लॉजिक क्या होगा, मेरा लॉजिक ये होगा कि मैं नंबर को इनपुट कराऊंगा, अगर वो -1 हो या -2 हो या -3 हो एंड सो ऑन, मेरा क्या होगा वो नेगेटिव, अदरवाइज अगर मेरा 1, 2, 3 ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा मेरा पॉजिटिव। बट इसी में अगर मेरा जो नंबर है जीरो होता है, दैट इज जीरो, तो क्या होगा जीरो। लेकिन पाइथन को ये नहीं पता कि जो नंबर मैं दे रहा हूँ -2 है -3 है -4, ऐसे नंबर्स को मैं दे रहा हूँ, तो मेरा जो लॉजिक होगा सिंपल ये होगा कि जो नंबर्स जो मैं नंबर दे रहा हूँ अगर वो नंबर लेस देन जीरो होता है, जीरो से छोटा होगा, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन में क्या होता है कि जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर मेरा जो नंबर है अगर लेस देन जीरो है तो क्या है नेगेटिव, अगर जो नंबर है मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है पॉजिटिव। रॉकेट साइंस नहीं, और जीरो है तो जीरो तो है ही, जीरो होता है तो जीरो है। अब यही कोड मुझे किस में लिखना है, पाइथन में। ये लॉजिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स को लॉजिक बिल्डिंग में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उससे लॉजिक बिल्ड नहीं होता, मैं कैसे करूँ। तो सबसे पहले नंबर को इनपुट कराना, enter the number and then इससे पहले int में convert करना होगा। आपके लिए quick quiz, but just a second, एक quick quiz दे रहा हूँ मैं। quick quiz का मतलब इसमें आपको बताना है कि अगर मैंने इस कोड को रन किया, इसमें जो नंबर जाएगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप बताना है, या तो वो स्ट्रिंग होगा या कोई नंबर होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा या डिक्शनरी होगा, वॉट एवर इट इज, कुछ भी हो आपको बताना है कि जो डेटा टाइप आएगा इसका आउटपुट आएगा क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसे इसका आंसर दे सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिया होगा। तो
इसमें क्या है, अगर मैं इसको रन करता हूँ num, और देन इफ आई प्रिंट टाइप ऑफ num, तो नॉट माइंड ब्लोइंग मुझे स्ट्रिंग देगा. क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है और इस स्ट्रिंग को हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम इंट टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. ये ज्यादातर नॉलेज के लिए मुझे लगा आपको देना चाहिए, इसलिए मैंने दे दिया. तो प्रोग्राम क्या था कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 बनाना है. सो इफ num इज ग्रेटर देन 0 जस्ट प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव एलिफ का यूज करूंगा मैं. एलिफ अगर नंबर लेस देन 0 होता है देन प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव. सिंपल. एल्स अब ना तो नेगेटिव है ना नेगेटिव वो पॉजिटिव है, क्या होगा? 0 होगा. द नंबर इज 0. अब मैं भी कुछ कमियां है प्रोग्राम में, क्योंकि नंबर के लिए यूजर क्या है 2/3 दे दे, विच इज अ फ्रैक्शन. ऐसे नंबर्स भी दे सकता है यूजर, बट इट विल डू, चलेगा. इंट की जगह कुछ और आउटपुट दे दो, वो कहे मैं तो इंट की जगह पर अपना नाम डालूंगा, तो इसमें भी आपका प्रोग्राम एरर थ्रो कर सकता है. सो डू आप कर सकते हैं. फोर्थ प्रोग्राम बन गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ टू यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं. स्टूडेंट्स एक्चुअली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं है, अगर मैं आपको समझाऊं. प्रोग्राम 05.py लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि मैंने कोड लिखा है, कोड का कोडिंग आपको समझ में आ जाएगा. एरे देन फॉर आई इन रेंज 1 to 11 देन एरे डॉट एंड एन एट देंट एंड ये मैंने कोड लिखा है. इस कोड का मतलब क्या आपको समझाता हूँ. जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट है मेरी एम्प्टी लिस्ट है. मैंने इस पर लूप चलाया है. लूप मैंने लिखा है कि इसमें 1 से 11 तक के सभी नंबर्स रैंडम होंगे. 1 से 11 बार ये लूप चलेगा. इसमें क्या कि जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, अब इन नंबर्स को अपेंड करेगा. इस एड है, अपेंड का मतलब है ऐड करना. इसमें डाल दिया जाए, पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा. फिर इस एड को प्रिंट कर देगा. Let's see its output, 1 to 3 to 10 numbers array में आ गए. अब क्या है कि इसी code को मैं sort out करके simple code ले सकता हूँ, जो कि क्या होगा, list comprehension का use करके. तो अब मैंने जैसे कि list बनाई, इसके अंदर मैंने लिखा कि मेरा कोई भी number हो वो x होगा, और for x in range रेंज होगी मेरी जैसे कि 1 to 11. अब ये मेरा बन गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. मैंने लिखा है कि x कोई मेरा वेरिएबल है, उस पर फॉर लूप चलाओ तब तक 1 से 11 तक. फिर उसके बाद मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं आउटपुट क्या आएगा लिस्ट. सो नॉट सो वंडर ये आउटपुट आया. मतलब कि एक सेम कोड जो कि 1 2 3 4 लाइन ऑफ कोड को मैंने 2 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज द पावर ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज इसलिए करते हैं. आप ऐसा तो है नहीं कि आप कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट भी कन्वर्ट कर सकते, मतलब ऐसे जनरेट कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे वॉवल्स की लिस्ट जनरेट करनी हो या कोई डेटा सेट की लिस्ट जनरेट करनी हो, तो इसके लिए आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करें.
तो आपका प्रोग्राम या कोई भी कोड जो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। सो ये द फिफ्थ प्रोग्राम। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू सून।